आज भारत सरकार के नियम के अनुसार हर एक गरीब परिवार को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है और जिसके पास आवास नहीं है उनके लिए इंदिरा आवास के तहत एक घर दिया जाना तय है। अशोक सरकार ग्राम कंचन नगर उनको 2009 में एक इंदिरा आवास पास किया गया था, पर उसे आज तक उस इंदिरा आवास का पूरी रकम नहीं मिला। मैं आशित राय और यह है मेरा समुदाय। घर पैसा के चलते नहीं बना है, पैसा हमारा नहीं मिला है। तो 2009 अब 2012 है, तो इस बीच में 3 साल करीब हो गया है, तो पैसा क्यों नहीं मिला? उन लोग बोलता है पैसा सरकार घर आपस हो गया, सचू बोलता है, इसीलिए हमको नहीं मिला। घर हमारा पूरा हो गया था तो खाली छाने नहीं पाया, बरसात के चलते गिर गया। तो छाने क्यों नहीं पाया? पैसा के चलते, पैसा मांगा तो पैसा दिया नहीं तो कैसे करके छाएंगे। तो अभी जो टूट गया है घर, आप कितना पैसा मिला था आपको? हमारा वही 16-17 हजार लगभग मिला था ईटा का पैसा। और कितना आपका बाकी था पैसा? कितना बाकी था उतना हमारा मालूम नहीं है, पैसा वहाँ से जमा हो कर दिया था, केंद्रीय बैंक से दूसरा बैंक में भेज दिया था। तो आपका जो घर टूट गया इसके बारे में जानकारी सचिव को दिए थे? हाँ दिए थे, सचिव बोलता है अभी पैसा आपस हो गया, अभी नहीं बनेगा घर। मैं इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों से यह अनुरोध करता हूँ, रामानुजगंज के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर कॉल कर श्री अशोक सरकार को अपना आवास का पूरी रकम देने के लिए दबाव बनाए, ताकि उसे 10 दिन के भीतर इस रकम को प्राप्त हो जाए। मैं आशित राय, ग्राम कंचन नगर, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर से इंडियन अनहर्ड के लिए।